एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा ब्यूटी। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बालों को सुरक्षित करने के 5 उपाय, वो भी इस गर्मी के सीज़न में। जी हाँ, तो आप लोगों को तो बताइए कि समर सीज़न आ चुका है, तो इस वजह से हमारे बालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं क्योंकि समर सीज़न आ गई है। तो जो भी यूवी रेज वगैरह होते हैं उसके कारण हमारे बालों को बहुत नुकसान पहुँचता है, स्वेटिंग वगैरह होती है। ये सब प्रॉब्लम से आज मैं आपको 5 सॉल्यूशन बताऊँगी, जिसे कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने बालों के प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। कोई भी आपको गर्मियों में बाल की प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ में आपके जो बाल हैं वो काफ़ी सुरक्षित और सेफ भी रहेंगे और काफ़ी अच्छे भी हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के अच्छे अच्छे स्किन केयर और हेयर केयर के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी। समर सीजन आ चुकी है तो हमें अपने बालों पर और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। विंटर सीजन में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बाल हमेशा ही मतलब स्वेटिंग वगैरह नहीं होती है, उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। धूप भी होते हैं तो वो बालों के लिए थोड़े अच्छे ही होते हैं, उतना नुकसान नहीं पहुँचता। बट अभी तो समर सीजन आ गया है तो स्पेशली ध्यान देना होगा। टिप है वो है फिजिकल प्रोटेक्शन। हाँ, तो आप अपने बालों के लिए हैट, छाता या फिर स्कार्फ कह सकते हैं या ओढ़नी कह सकते हैं, दुपट्टा, स्टॉल्स, इन सब चीज़ों का यूज़ करिए। कहीं पे भी बाहर जाइए तो छाता लीजिए या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हैट वगैरह का यूज़ कीजिए। अगर उसमें भी आप कंफर्टेबल नहीं है तो स्टॉल्स, स्कार्फ, जो भी बांध कर आप जा सकते हैं वो बांध कर जाइए। अगर आप इस तरह के प्रोटेक्शंस लेके जाएंगे तो आपके जो बाल है वो यूवी रेस से दूर रहेंगे, यानी कि थोड़ा बचेंगे और उससे आपके बालों को काफ़ी कम नुकसान भी पहुँचेगा। तो जब भी बाहर जाइए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए लेकर जाइए। पॉइंट है फ्रेंड्स वो है सीरम या हेयर प्रोटेक्शन जो स्प्रे होती है उसका यूज़। जी हाँ, तो हमेशा ही सीरम या फिर जो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे होता है उसका यूज़ करिए। ये आपके बालों के क्यूटिकल्स को तो छुपाती ही हैं, सेट करती ही हैं, साथ में आपको बचाती भी हैं बालों के नुकसान से, जो यूवी रेज वगैरह से होते हैं या पॉल्यूशन से होते हैं उसके नुकसान से भी बचाती है। तो कहीं पर भी बाहर जाइए तो इसे फॉलो करिए। जब भी आप वॉश कर लें, नहा लें, आफ्टर वॉश आप अपने बालों पे सीरम या फिर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके बालों को धूप में भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बचाव मिलेगी और अगर आप घर पे भी रहते हैं तो स्वेटिंग वगैरह को भी ये रोकता है और आपके बालों को हेल्दी और बाउंसी बनाता है। यहाँ पे तो मैं नॉर्मल चीज़ रिकमेंड करूँगी, ये है लिवॉन सीरम विटामिन ई के साथ और ये मेरी थोड़ी पुरानी हो गई है और मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। कभी कभार जब काम आता है तो इसे यूज़ करती हूँ। अब समर सीज़न आ गया है तो अब मैं इसे रेगुलर यूज़ करूँगी। तो अगर आपके पास कोई सीरम का ऑप्शन नहीं है, आपने अभी तक कोई ट्राई नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इसे ट्राई करिए। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर आता है और आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है वो है हॉट ऑयल मसाज। जी हाँ, आप अपने बालों पे मसाज कर सकते हैं। जो भी ऑयल आपको पसंद है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सब समर सीजन के लिए ज़्यादा सही होते हैं। तो आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं। अपने बालों को अगर आप हॉट ऑयल मसाज देंगे तो आपके बालों को आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर भी मिलेगा और आपके बाल बाउंसी भी बनेंगे और साथ में जो उनका टेक्स्चर है वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है वो है कंडीशनर का इस्तेमाल करना। जी हाँ, कंडीशनर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बहुत ही थोड़ा सा कॉइन साइज आपको कंडीशनर लेना है। जब भी आपके बाल मतलब आप बाल वॉश कर लीजिए, शैम्पू यूज़ कर लीजिए, फिर अपने बालों को टॉयल ड्राई करके उसके बाद फिर आपको कंडीशनर अप्लाई करना है और मिड लेंथ से लेकर के आपको यहाँ टिप तक कंडीशनर अप्लाई करना है। ये भी आपके बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, आपके बालों को यूवी रेज से भी बचाएगा और आपके बाल सॉफ्ट भी बनेंगे। ये थे मेरे कुछ टिप्स जिसे कि अगर आप फॉलो कर दें तो इन गर्मियों में आप अपने बालों को सेफ रख पाएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम से भी बच पाएंगे। आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए